हेलो एवरीवन, वेलकम टू शुभम भगत यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभम और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेक्स्टबुक स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में। टेक्स्टबुक स्कॉलरशिप टेस्ट हमेशा लाता ही रहता है। आप में से काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स को प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये वीडियो टेक्स्टबुक पास यूज़र, टेक्स्टबुक ऐप यूज़र सभी के लिए है। मैं सभी को, आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं हर एक इंडिविजुअल को मैं बताना चाहता हूँ कि आप टेक्स्टबुक का अगर ऐप यूज़र हैं या सिंपली ऐप डाउनलोड करके रखे हैं, तो टेक्स्टबुक का जो भी स्कॉलरशिप होता है, अगर आपके गवर्नमेंट जॉब्स के साथ मैच करता है तो आप उसमें पार्ट लीजिए। क्योंकि आप मान लीजिए अभी आप CDS का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कुछ भी, जो भी CDS का ही मैं बता रहा हूँ, CDS का एग्ज़ाम देने वाले हैं आप, तो जाके देना देंगे ना आप अपने जो TCS का जो भी सेंटर्स होता है उसमें जाके तो देंगे आप। लेकिन उससे पहले तो आप CDS का अगर आपने पूरा कोर्स आपको करना है या आपको अपने सर के साथ इंटरेक्ट करना है, आपका गोल है कि मैं टेक्स्टबुक का स्लेट प्रोग्राम के साथ मैं जुड़ जाऊँ, ये सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ CDS का। तो CDS का आप अगर स्कॉलरशिप टेस्ट देंगे तो आपको पूरा कोर्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कुछ परसेंटेज है। तो मुझे इसमें से सबसे अच्छा जो है राइज मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट, मैं इसमें एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा सिर्फ इस टॉपिक में। तो इस अभी देख सकते हैं CDS का UPSC CSE NCERT स्कॉलरशिप टेस्ट चलेगा, UPSC CAPF स्कॉलरशिप टेस्ट, उसमें राइज मेगा स्कॉलरशिप। तो इसका देखिए CDS का जो है आप रजिस्टर कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा ऑन डे 4 hours 53 minutes के अंदर। आप मोबाइल फ़ोन से दे सकते हैं, आपको कोई डेस्कटॉप या कुछ भी नहीं लेगा। उसके बाद UPSC CSE NCERT स्कॉलरशिप टेस्ट चलेगा। आप अगर एक UPSC कैंडिडेट हैं, ठीक है, NCERT आप अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि जो भी कंटेंट प्रोवाइड है उसको मैं एज अ वीडियो फॉर्मेट देखूं, और आपको तो बुक पढ़ना होगा, ठीक है। आप अगर कोई भी टॉपर को देखते हैं एज अ UPSC एस्पिरेंट, ठीक है, एज अ UPSC एस्पिरेंट या जो भी अचीव कर चुके हैं, वो हमेशा बोलते हैं कि आप बुक्स पढ़ो, ज़्यादा रिसोर्सेज में ना जाओ, ठीक है। लेकिन आप अगर खुद से बुक्स फॉलो करते हो तो आप सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर स्कॉलरशिप टेस्ट दे रहे हो तो आपका एक चांसेस होता है कि आप टेक्स्टबुक का जो स्कॉलरशिप टेस्ट की मदद से आप उसका लाइव क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो। देखो, आपके पास नॉलेज होगा, जो भी सर पढ़ा रहे होंगे आपके सामने उनको भी तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा ना कुछ फील्ड्स में, आप काफ़ी कुछ जान पाओगे। तो इस वजह से आप देना, आप चाहे, मैं दो एग्जाम्पल दिया, मैं हर एक का मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ, लेकिन वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। और यही था, आपको सिर्फ रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं किसी एक में मैं रजिस्टर करके आपको दिखाऊंगा। रजिस्टर करने के बाद जो है आपको क्या करना होगा, एज अ रजिस्टर, ठीक है, रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद आप देख सकते हैं कि राइज मेगा स्कॉलरशिप में लैपटॉप फर्स्ट प्राइज है, जो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर UPSC NCERT स्कॉलरशिप टेस्ट जीता है MT सोएब अली ने, ठीक है, IPS RIBS स्कॉलरशिप जीते हैं आयुष्मान कुमार जी ने, उसके बाद SSC MT स्कॉलरशिप जीते हैं कृष्णा व अधिकारी जी ने, और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, कुछ FAQs है, तो मैं इससे रिलेटेड मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, तो अभी मैं इसके लिए बनाया। तो आप सभी रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर करने के बाद कुछ क्वेश्चंस रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है, उसका कुछ क्वेश्चंस होगा, उसको जो भी आंसर देंगे मैं नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। तो यही था, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।